दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दर्शन ऑल इंडिया में। तो फ्रेंड, कुछ दिन पहले, एक से दो मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि IPL 2024 में आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने एक कमेंट किया कि ड्रीम इलेवन में कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कोई वीडियो बनाइए। तो फिलहाल मैं ऐसा एक वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंड, ये वाला वीडियो जो है ड्रीम इलेवन के बारे में है कि ड्रीम इलेवन से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 7 से 8 पॉइंट जिसको आप ध्यान में रखकर आप ड्रीम इलेवन से पैसे कमा सकते हैं। और 22 मार्च से IPL स्टार्ट भी होने वाला है, तो काफी ज्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा वो जो ड्रीम इलेवन से पैसे कमाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से बताते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट का जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखे। तो फ्रेंड, अगर आप ड्रीम इलेवन से पैसा कमाना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टीम तो लगाना आना ही चाहिए। पहली चीज है, आपको टीम लगाना आना चाहिए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड कि जितने भी IPL 2024 में खिलाड़ी खेलने वाले हैं, बहुत सारे होंगे ऑक्शन में जितने लोगों को चुना गया होगा, आप उन सारे खिलाड़ी के बारे में पता करें, इंटरनेट पे जाएं, देखें कौन कौन खेल रहा है और इनका परफॉर्मेंस देखिए कि इनका परफॉर्मेंस जो है कैसा रहा है पीछे, कोई अच्छा होगा कोई खराब होगा कोई, तो इस हिसाब से आप उनका परफॉर्मेंस पूरा चेक कीजिए। अभी ये कर लीजिए, 5-7 दिन अभी बचा हुआ है, कितना तारीख आज 18 हो गया है, तो 4-5 दिन बचा हुआ है, तो आप रिसर्च कर लीजिए कौन कौन से खिलाड़ी हैं। दूसरे पॉइंट ये रहा फ्रेंड, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा है आप उसको लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा लॉस हो गए। एक भी खिलाड़ी अगर आपने गलत चूज किया तो आप पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे ड्रीम इलेवन में। तो फ्रेंड पहला पॉइंट आप समझ गए, दूसरा भी समझ गए, तीसरा पॉइंट पे हम चलते हैं फ्रेंड। और तीसरा पॉइंट ये है फ्रेंड कि जब दो टीमों के बीच मैच होने वाला है, जैसे आज जो दो टीमों के बीच मैच होने वाला है फ्रेंड, उन दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए फ्रेंड, कि ये कैसे खेलते हैं, ये पूरी चीज आपको पता होना चाहिए। तीसरा चौथा पॉइंट आप चलते हैं फ्रेंड, चौथा पॉइंट ये है कि जो दो टीमों के बीच आज मैच होने वाला है, उन दो टीमों में से कौन सा टीम का खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी आज नहीं खेल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जो आज खिलाड़ी खेल नहीं रहा है उसको आप पिक कर लेते हो, आप ले लेते हो, तो वो उसका पॉइंट तो जीरो आएगा। और एक भी खिलाड़ी अगर मिस किया तो आप समझ जाओ आपने जितना पैसा उसमें लगाए रहोगे ना वो भी रिटर्न नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये जानना कि आज कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है और कौन सा खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। चलिए आप पांचवें पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। पांचवा पॉइंट ये है फ्रेंड कि जब दो टीमों के बीच फ्रेंड मैच हो रहा हो तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सामने पहले टीम का जो बॉलर है वो दूसरे टीम के बैट्समैन के सामने किस तरह का परफॉर्मेंस करता है, और इस टीम का बॉलर जो है दूसरे टीम का बैट्समैन के सामने किस तरह का परफॉर्मेंस है, उसका आपस में क्या तालमेल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बॉलर जो है इस बैट्समैन को आउट कितना बार किया है, कैसा रहा है, ऐसा तो नहीं कभी आउट ही नहीं किया है, तो ये भी परफॉर्मेंस आपको चेक करना है। छठा पॉइंट की तरफ हम फ्रेंड चलते हैं, और छठा पॉइंट ये है फ्रेंड कि बेस्ट दो टीमों की जब मैच हो रहा है आज, तो पहले टीम का जो बैट्समैन है दूसरे टीम का बॉलर के सामने बैट्समैन का कैसा परफॉर्मेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरे टीम का बैट्समैन का पहले टीम का बॉलर के साथ कैसा परफॉर्मेंस है, अच्छा मारता है नहीं, अच्छा खेलता है उसके सामने, ऐसा तो नहीं इस बॉलर के सामने उस बैट्समैन का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो ऐसे को खिलाड़ी को बिल्कुल भी पिक ना करो, ऐसे देख ताक के पूरा ही करना होगा। ये छठा पॉइंट रहा फिर, ये छठा पॉइंट। और सबसे सातवां पॉइंट हम आप चलते हैं फिर, सातवां जो पॉइंट है फ्रेंड ये है कि आपको पिच का नॉलेज होना चाहिए। आज अगर वान खेड़े स्टेडियम हो रहा है मुंबई का, तो पूरा चीज आपको पता होना चाहिए। ईडन गार्डन पे हो रहा है कोलकाता में, तो आपको ये पता होना चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी का जो स्टेडियम है अहमदाबाद ये यहाँ पे हो रहा है, चाहे रांची में हो रहा है, तो पिच जो है कैसे है, बैट्समैन पीछे है कि बॉलर को सहायता मिलता है कि बैट्समैन को सहायता मिलता है, या स्लो पिच है कि फास्ट पिच है, रात को जब ये सीट पड़ने लगता है वो सहता है तो उस समय बॉल क्या धीमी हो जाती है फास्ट हो जाती है, ये सारे चीजें उस समय किसको फायदा मिलेगा, बॉलर को फायदा मिलेगा कि बैट्समैन को फायदा मिलेगा, ये सारा चीजें आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फिर इस तरह से सारे चीजें आप रिसर्च करके सातों पॉइंट पे आप अगर ड्रीम इलेवन पे एक अच्छा प्रेडिक्शन करोगे, अच्छा टीम बनाओगे, तो आपको जीतने की चांसेस ज्यादा है। और लास्ट का पॉइंट मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि इसमें ना बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, सॉरी
बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, मतलब 1 से 2 करोड़ लोग भाग लेते हैं एक कॉन्टेस्ट में, मेघा जो कॉन्टेस्ट होता है, इसमें जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, 0.0001 पॉइंट, मतलब कितना बोलो बहुत ही कम चांस है जीतने का। तो आप कितना भी अच्छा बना लो, लक भी थोड़ा आपको साथ देना चाहिए तभी आप जीत पाओगे फिलहाल। लेकिन एक या सारे पॉइंट को भी रखना है, और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं तो फर्स्ट रैंक काफी मुश्किल है, मुश्किल। जो खिलाड़ी खेल भी रहे हैं उनको भी शायद थोड़ा सा कम चांस है को भी फर्स्ट रैंक ला पाए। तो फ्रेंड ये रहा वीडियो, ये आईपीएल ड्रीम 11 में आप कैसे पैसे कमा सकते हो, इस पे ये वीडियो रहा। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक करो, शेयर करो, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके चले जाइए, क्योंकि हम हाउ टू अर्न मनी करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, आप लोगों के लिए अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए फ्रेंड।